हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होता है एप्स को क्रिएट करने के लिए। तो एप्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट्स में, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो, कोडुलर या फिर अदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बट इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो एंड कोडुलर में। ओके, तो मैंने नोटपैड में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो मैं आपके एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, एमबी साइज। तो देखो एमबी साइज मीन्स क्या होता है। सबसे पहले अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में एप्स को क्रिएट करते हैं तो वो थोड़ा कम एमबी का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई व्हाट्सअप का ऐप क्रिएट कर रहे हो, तो व्हाट्सअप का ऐप अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में 9 MB का है, तो वही आपका कोडुलर या फिर अदर सॉफ्टवेयर में आपका 11 MB का होगा। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा एमबी साइज इंक्रीज कर रहा है कोडुलर और अदर प्लेटफॉर्म में एज कम्पेयर टू द एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कोड ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो सेफ एज कम्पेयर टू द कोडुलर टू सिक्योरिटी एप्स। तो देखो, जब हम कोडुलर में एप्स को क्रिएट करते हैं तब हम खुद का जावा कोड नहीं लिखते, मींस हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। वो जो भी सॉफ्टवेयर होता है कोडुलर या फिर अदर सॉफ्टवेयर, वो खुद ही जावा को क्रिएट करता है। उसमें सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एंड हमारा एप्स क्रिएट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम खुद का जो भी हमारे लैंग्वेज होती है हम खुद क्रिएट नहीं करते, इसलिए सिक्योरिटी के मामले बेस्ट नहीं होता है कोडुलर और अदर सॉफ्टवेयर। और यही हम बात करें एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, जैसे XML, जावा, कुछ लैंग्वेज होते हैं इसके हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसमें एप्स क्रिएट कर सकते हैं और हम इसमें खुद के एप्स खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉइड स्टूडियो बेस्ट है एज कम्पेयर टू द कोडुलर और अदर सॉफ्टवेयर। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अर्निंग इज मोर इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो देखो, जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो से एप्स को क्रिएट करते हो तब इससे आपकी ज्यादा अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू द कोडुलर। क्यों? क्योंकि जब हम गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को अपलोड करते हैं, अगर सपोज आपका ऐप एंड्रॉइड स्टूडियो से क्रिएट हुआ है, तो गूगल एडमॉप ज्यादा इंप्रेशन देता है, मीन्स ज्यादा एड शो करता है। और वही आप कोडुलर को आप एप्स को क्रिएट करोगे तो उसमें थोड़ा कम इंप्रेशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर जिसमें ज्यादा एड शो हो गए तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए एंड्रॉइड स्टूडियो बेस्ट है इसमें भी एज कम्पेयर टू कोडुलर और अदर सॉफ्टवेयर। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फेमस एप्स क्रिएटेड इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो देखो, जितने भी गूगल प्ले स्टोर पे एप्स हैं, जितने भी फेमस ऐप हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी हैं वो सब एंड्रॉइड स्टूडियो में ही क्रिएट हुए हैं। एंड जो छोटे मोटे एप्स होते हैं वो सब कोडुलर में क्रिएट होते हैं। अगर आपको सिर्फ टेम्पररी ऐप क्रिएट करना है तो आप कोडुलर के प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के, फ्री और पेड। तो देखो, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में एप्स को क्रिएट करते हो तो एकदम फ्री होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ हमें गूगल में जाना होता है एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को सर्च करना होता है एंड उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, एंड ये सब फ्री होता है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रामिंग नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और ये हम बात करें कोडुलर और अदर सॉफ्टवेयर में, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इसमें जो भी कोडुलर और अदर प्लेटफॉर्म होता है वो आपसे मंथली कुछ चार्जेस लेते हैं, या फिर जो भी आपका एप्स गूगल प्ले स्टोर पर डाल दोगे उससे में से कुछ कमीशन इनको देना होता है। ओके, तो फ्री एकदम एंड्रॉइड स्टूडियो है एंड कॉस्टली एकदम कोडुलर या फिर अदर सॉफ्टवेयर है। ओके, अभी हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, नॉलेज रिक्वायर इन एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में एप्स को क्रिएट करते हो तो इसमें थोड़ा नॉलेज रिक्वायर होता है, मीन्स आपको जैसे जावा, XML लैंग्वेज या फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और ये हम बात करें कोडुलर में, तो कोडुलर में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डायरेक्ट इसमें एप्स को क्रिएट कर सकते हो, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो आप कोडुलर की तरफ जा सकते हो, बट आप हो सके तो प्रोग्रामिंग नॉलेज को आप गेन कीजिए, मीन्स उसको समझिए एंड आप एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ जा सकते हो। ओके, अभी हम बात करते हैं सेवन पॉइंट की, कोडुलर ऑल्सो जनरेट रिवेन्यू। तो देखो, गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कोडुलर से क्रिएट हुए हैं एंड आज अच्छा खासा मोटा रकम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ओके, और यही हम बात करें एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में तो प्रोफेशनल प्रो लेवल के एप्स होते हैं, तो उसमें तो ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। बट ऐसा नहीं कि कोडुलर से हम एप्स क्रिएट करके अच्छी खासी रिवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, कोडुलर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं एट पॉइंट की, टाइम एफर्ट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो देखो, इसमें क्या होता है, हमें तो एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज होना चाहिए, इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी देना होता है, इसमें हमें एफर्ट भी देना होता है। अगर आपके पास इन तीनों भी चीज़ों का टाइम है, एफर्ट है, लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ जा सकते हैं। और यही आपको टेम्प्रेरी ऐप्स को क्रिएट करना है, जैसे आपको छोटे मोटे ऐप्स क्रिएट करना है, क्योंकि जो कोडुलर और अदर सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें सिर्फ छोटे मोटे ऐप्स को क्रिएट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको गेन करनी है, आपको टाइम भी देना है उस लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए,
एंड आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के ही तरफ जाना है। इसमें क्या होता है, कोडुलर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ना आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायर होती है, ना ज़्यादा कॉन्फिग्रेशन की रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिग्रेशन क्या होता है। तो देखो, लैपटॉप में अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करते हो तो उसमें मिनिमम आपके पास 4 GB रैम तो भी होनी चाहिए। और ये हम बात करें कोडुलर में, तो कोडुलर में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास 2 GB रैम का भी लैपटॉप है तब भी आप इसमें ऐप्स को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप नहीं है, अगर आपको टेम्प्ररी क्रिएट करना है, अगर आपको इसमें आपको करियर नहीं बनाना है, तो आप कोडुलर में जा सकते हो। ओके, और यही आप बात करें आपको एकदम प्रो लेवल का ऐप एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ जा सकते हो। तो आई होप गाइस अभी आपको मैंने कुछ जो पॉइंट्स बताया एंड्रॉयड स्टूडियो एंड कोडुलर के बारे में वो आपको क्लियर समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।